काम के पीछे मत भागिए, काम आपके पीछे भागे ऐसा आप काम करके दिखाइए कि आप अपने में जो स्ट्रेंथ है उसे डेवलप करके प्रोडक्शन के पास या प्रोड्यूसर के पास ऑडिशन के लिए जाए, तो वो आपको रिजेक्ट ही ना कर पाए। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मेरे साथ हैं भाकरवाड़ी के सेट पर स्मिता जी, वेलकम टू joinfilms। स्मिता जी, इसमें क्या करेक्टर है आपका? मैं ज्योत्सना प्ले कर रही हूँ इसमें, जो दो परिवारों की कहानी है एक्चुअली, गोखले परिवार और ठक्कर परिवार। तो गोखले परिवार में अन्ना है घर के प्रमुख और मैं उनकी बीवी हूँ, ज्योत्सना गोखले। ओके, तो ये करेक्टर किस तरह से बाकी से अलग है? बहुत अलग है। बाकी हमारे घर में 13 कैरेक्टर्स हैं बच्चों को मिला के, पर मैं और मेरा बेटा अभिषेक ये छोड़ के बाकी सारे अतरंगी कैरेक्टर्स हैं। सिर्फ हम ही थोड़े से सीधे हैं, नाइव है, और वैसे अतरंगी के बीच में सीधा रहना बड़ा आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए तो मेरा एक और ट्रैक है कि जब भी अन्ना ऐसे पागलों जैसे बिहेव करते हैं, बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, तो मेरा एक ट्रैक है कि मैं रेडियो चला देती हूँ, उनको अकेले में बुलाती हूँ और बहुत डांटती हूँ। सबके सामने कभी नहीं, लेकिन अगर वो अपनी मर्यादा पार कर रहे हैं ऐसे मुझे लगा, तो मैं उनको बुलाती हूँ और बहुत डांटती हूँ ह्यूमरस वे में। ओके ओके, तो ये जो तरीका निकाला उनको डांटने काटने का, ये ऑब्जर्वेशन का था या राइटर ने दिया था? नहीं नहीं, राइटर जो कुछ भी हम करते हैं वो सब राइटर करवाते हैं। हम अपने मन से बहुत ज़्यादा बहुत कम चीज़ें करते हैं, क्योंकि हमारा लिखा हुआ है इतना स्ट्रॉन्ग लिख के आता है हर एक कैरेक्टर, हर एक पहलू कैरेक्टर्स का, कि आपको बहुत ज़्यादा अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे पहले कौन कौन से काम किए आपने, प्रोजेक्ट्स किए? मैंने ज़्यादा मराठी शोज़ किए हैं, मिसेस तेंदुलकर नाम का सब टीवी पे ही शो था, वो मैंने किया था। ओके, कसौटी जिंदगी की किया था, तो दो तीन हिंदी शोज और मराठी शोज में बहुत ज़्यादा। नॉर्मली स्मिता जी कहते हैं कि अगर आप रीजनल कर लो, मराठी कर लो, तो हिंदी में चांस नहीं मिलता, आपको क्या लगता है, गलत है? वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको अगर करना है तो चांस मिल ही जाता है, क्योंकि आप कितना अच्छा करते हो और कैसे करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। मुझे ज़्यादा कंफर्ट मराठी में आता है, क्योंकि मेरी फैमिली को मैं प्रायोरिटी देती हूँ, तो जो क्योंकि हिंदी में बहुत आपको समय देना पड़ता है, बहुत समय ज़्यादा देना पड़ता है, जो रीजनल में आपको थोड़ा समय आप अपने लिए मिल जाता है, तो मेरी प्रायोरिटी तभी ये थी। और हैट्स ऑफ के साथ काम करना रीजनल करने जैसा है, बहुत कंफर्टेबल करते हैं, हम घर पे ही शूट कर रहे हैं ऐसे लगता है बहुत बार मुझे, ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ इनके साथ काम करने, तो मैं इसीलिए रीजनल। तो इसमें नॉर्मल लोग सोचते हैं, पब्लिक जो है खासतौर से, वो ये सोचते हैं कि एक्टर ही सब कुछ है, लेकिन आपने जैसा बताया कि राइटर डायरेक्टर की तवज्जो अलग होती है, क्या वाकई एक एक्टर को अगर अच्छा ग्रो करना है तो राइटर डायरेक्टर का परसेप्शन समझना चाहिए? वो तो मेन चीज़ है, अगर आप सिर्फ आपको जैसा चाहिए वैसा एक्ट करोगे तो हर एक किरदार आप सेम ही करोगे, वेरस आपको अगर 10 काम करने हैं तो अगर राइटर ने जैसा लिखा है और जैसे डायरेक्टर ने उसे परस्यू किया है उस तरीके से आप काम करोगे, तो आपके 10 डिफरेंट रोल्स नज़र आएंगे। नॉर्मली जो थिएटर में एक्टिंग होती है तो को एक्टर होते हैं रिस्पॉन्ड बैक करने के लिए, लेकिन कैमरा एक्टिंग में ये डिफिकल्टी होती है कि वो एक्टर कई बार सामने ही नहीं होता, सिर्फ कैमरा होता है, तो उस टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर जब क्लू दे रहे होते हैं, ऐसा कर रहे होते हैं, उस तरह के एक्ट करने में डिफिकल्टी होती है या प्रैक्टिस हो गई? अब नहीं होती भाई, ये शुरुआत में होता है, लेकिन मुझे लगता है नए काम करने वाले बच्चे भी 6-7 महीने में तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, वो तो सीख ही जाते हैं, तो वो कोई डिफिकल्टी नहीं आती। ओके, जो लोग भी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं खासतौर से फीमेल्स, उनको आप क्या समझाइश देंगे? काम के पीछे मत भागिए, काम आपके पीछे भागे ऐसा आप काम करके दिखाइए कि आप अपने में जो स्ट्रेंथ है उसे डेवलप करके प्रोडक्शन के पास या प्रोड्यूसर के पास ऑडिशन के लिए जाए, तो वो आपको रिजेक्ट ही ना कर पाए, तो आपके पास बहुत काम होगा। मतलब प्रिपरेशन जितना तकड़ा होगा उतना ही अच्छा करियर भी होगा। यस, आप पहले नाटकों में काम करिए, पहला अपना बेस बहुत अच्छी तरीके से बना ले और फिर इस इंडस्ट्री में आए, तो आपको मुझे लगता है ज़्यादा आसानी पड़ेगी और आप लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी, भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है।